हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है होम सेंटर के वर्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। बहुत लोग को लग रहा था कि मैं होम सेंटर का पेड प्रमोशन कर रही हूँ। होम सेंटर इज पेइंग मी समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। होम सेंटर मुझे एक रुपया नहीं देता है। ये सब मैंने मेरे पैसे से खरीदी हुई चीज़ें, बिकॉज मुझे मेरे नए घर के लिए सामान चाहिए तो एक एक चीज़ें मैंने खरीदे, तो मुझे कोई फ्री में मिला हुआ चीज़ें नहीं है। इसलिए इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मैं हमेशा उनका अच्छा ही तारीफ कर रही हूँ। बहुत लोग मुझे मैसेज में पूछ रहे थे कि मैं कभी इनका क्या वर्स्ट प्रोडक्ट है या क्या प्रोडक्ट आर नॉट गुड ऑफ होम सेंटर। मैं बताती नहीं, एक्चुअली मुझे 3-4 महीने हो रहे हैं वो चीज़ें यूज़ करके, तो जब तक मैं उसको प्रॉपर यूज़ नहीं करूँ मैं आप लोग को कैसे रिव्यू दूँ। इसलिए मैं उस पर आपको लोगों को रिव्यू नहीं देती और रिप्लाई नहीं करती, और मैंने आप लोग को सिर्फ यही बताया कि वेट कीजिए, मैं थोड़ा टाइम यूज़ करने के बाद आप लोग को जेन्युइन एक रिव्यू दूंगी। अब एक एक उसका कंडीशंस चेंज होने लग गया है विद इन दिस मच मंथ ऑलरेडी, सो आप एक जेन्युइन रिव्यू मैं आप लोग को दे सकती हूँ कि उसका प्रोडक्ट्स कैसा है कैसा नहीं है। ओके, मैं आप लोग से शेयर करती हूँ कि उनके वर्स्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या है करके। फर्स्ट है उनका पोटपोरी, ये जो ये है इसका फ्रेग्रेंस एक दिन भी नहीं रहा मेरे ख्याल से। एंड जबकि ये इस पे फ्रेग्रेंस रहता है वो मुझे पता है, बिकॉज मैं यूके में बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। उसका पोटपूरी का फ्रेग्रेंस, वो एक बार हम ऐसा नॉर्मल रख देंगे उसका फ्रेग्रेंस चला जाए, हम मिक्स करके वापस से छोड़ देंगे तो वापस से वो लास्ट करता है। एटलीस्ट 10 डेज तो मुझे ईजिली लास्ट करता था, ये 1 डे भी मुझे ये लास्ट नहीं किया। ओपन करके रखे ही बस थोड़ा आवर्स मेरे ख्याल से रहा होगा, उसकी वजह से लास्ट नहीं किया। आई थॉट ठीक है चलो ये छोड़ो, मैंने देन पोटपूरी स्प्रे खरीदा कि पोटपूरी स्प्रे डालती हूँ। ये भी वेस्ट ही है, ये स्प्रे कुछ नहीं करता। इसका स्मेल बहुत अच्छा है, सी बहुत स्ट्रांग है। इसको उसके ऊपर स्प्रे करके छोड़ो तो फॉर सम टाइम इट विल स्टे, अगेन 1 or 2 days, 2 days मैक्स के मैक्स साइड बोल रही हो, उतना टाइम भी समटाइम्स रहता नहीं है। तो उतने टाइम के लिए थोड़ा मैक्स आप 1 डे पकड़ लो कि वो अच्छा फ्रेग्रेंस रहता है। फ्रेग्रेंस भी कैसे, अगर आप उसके सामने से गुजरोगे तो एक अच्छा महक आएगा, दैट्स इट। उसके दूसरे दिन से वो भी नहीं आता, अगेन वो फुल फेड हो जाता है। तो कोई भी गेस्ट आ रहा होगा तभी इमीडिएटली आप लगा के रखो, तो थोड़े टाइम के लिए आपका रूम फ्रेश रहेगा, वरना पोटपूरी स्प्रे इज ऑल्सो वेस्ट। आई एम नॉट हैप्पी। देन ये कार स्प्रे, कार स्प्रे से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था। ये भी लिया था, इससे पहले भी मैंने एक और कार स्प्रे है, वो गाड़ी के अंदर ही मैंने लाया नहीं, एक और है। मुझे लगा था चलो कार स्प्रे इनका शायद बहुत अच्छा होगा बिकॉज ऑफ दिस कंपनी, क्योंकि जनरली हम एयरविक का सब लेते हैं, वो कार स्प्रे इससे बहुत बेटर है। मैं ये नहीं कर रही बट सीरियसली वो बहुत बेटर है, बिकॉज ये स्प्रे हम स्प्रे करते हैं एक दो बार डोर ओपन करके क्लोज कर देते हैं, वो स्मेल पूरा चला जाता है। सो आप हर एक दो बार डोर ओपन करने के अगर आप फ्रेश स्प्रे करोगे कार में तो ही इसका फ्रेग्रेंस रहता है, वरना नहीं रहता। सो उससे बेटर तो हमारा जो एसी विंड्स में हम लगाते हैं वो एसी जब जब चालू करते हैं उसका फ्रेग्रेंस आता रहता है। सो कार स्प्रे के लिए आई विल से एनी स्प्रेज आर वेस्ट, ये स्प्रे कुछ लास्ट नहीं करता। ये मैंने पहले नॉर्मल सिर्फ एसी विंड्स के वहाँ पर डाल के देखा, नहीं स्मेल लास्ट किया। कारपेट्स में डाल के देखे, नहीं लास्ट किया। जहाँ जहाँ आई कुड यूटिलाइज दिस मैंने सब जगह ट्राई करके देखा, बट इसका स्मेल नहीं लास्ट करता। एक दो आप डोर ओपन करके क्लोज करो वो निकल जाता है उसका स्मेल पूरा। सो कार स्प्रे के लिए मेरे ख्याल से जो हम एसी विंड्स में लगा पाए, जैसे एयरविक का सब आता है फिक्स करने जैसा, दैट इज़ गुड। जब जब आप एसी चालू करोगे जब तक उसको ख़त्म नहीं होता आपको एक एटलीस्ट फ्रेग्रेंस स्मेल रहता है। कार के अंदर नहीं रहा तो भी हम जब कार से उतर के बाहर जाकर वापस अंदर आते वी कैन स्मेल दैट फ्रेश स्मेल, ये स्प्रे से वो नहीं होता। हम कार बंद करके छोड़ के वापस अंदर आए तो हमको स्प्रे नहीं, स्मेल नहीं आता। हमेशा हमको कार में एंटर करने के बाद डोर ओपन करके वापस से स्प्रे करना होता है, एंड देन वी गेट इनटू द कार। सो दिस स्प्रे इज आल्सो ऑफ नो यूज फॉर मी। एंड देन इनका पेबल्स लिया था जो एकदम दिखता बहुत प्रिटी है, वो पेबल्स मैंने एक्चुअली फेक दी, मैंने रखे भी नहीं वो पेबल्स। तो सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट वॉज माई दैट पेबल्स ओनली, और वो भी मैंने ऑफर में खरीदा था 110 या 920 रुपीज़ में कुछ, 120 रुपीज़ में कुछ, बट स्टिल 120 रुपीज़ पे करके मुझे वन मंथ के शायद फ्यू डेज भी लास्ट नहीं किया बोले तो आई एम नॉट ऑल हैप्पी विद दैट प्रोडक्ट। वो दो मैंने पैक खरीदे थे, रेड एंड गोल्ड, रेड एंड वाइट मेरे ख्याल से, रेड एंड वाइट। मैं आपको इमेजेस डाल दूंगी कि मैं यहाँ पे कहीं पे इमेजेस उसका पोस्ट कर दूंगी कि मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। उसका एजेस पूरा उसका कलर ही चेंज हो गया, लाइक मेरे पास एक प्रोडक्ट भी नहीं है दिखाने के लिए। वो सब इतना गंदा हो गया था कि दिख ही रहा था इतना गंदा कि मैंने उसको लिटरली निकाल के फेंक ही दिया। वो पूरा उसका एजेस जाके उसका कलर निकल जाके अभी कैसे रेड कलर है, उसका एजेस पूरा वाइट 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 आके एकदम डिस्गस्टिंग दिख रहा था। वो उसका पूरा पॉलिश चला गया, सब चला गया, उसको अट्रैक्टिवनेस ही नहीं था। सो मैंने वो लिटरली डस्टबिन में बिन ही कर दिया। नेक्स्ट है इनके कप्स, कितने प्रिटी कप्स है, से पैटर्न्स कितने अच्छे, कितना अच्छा है, नहीं स्टिल लुक्स वेरी गुड। बाहर से इतना अच्छा दिख रहा है, इसका अंदर दिखाओ,
आई डोंट नो कैमरा, हाँ कैमरा पकड़ेगा कि नहीं से, कितना स्क्रैचेस आ गया है, क्रैक आ गया है, जबकि इसमें हम जनरली इतना गर्म में इतना केयरफुली ये मक्स को यूज़ किया, मैंने कोई ज़्यादा ज़्यादा एकदम बॉइलिंग टी सब डाला नहीं है, नॉर्मल एक अपने पतीले पे निकाल कर वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर डाउन होने के बाद ही मैं ग्लास पे पोर करती हूँ, उसके बाद भी ये ग्लास पे क्रैक हुआ। और ये मेरे को अभी जस्ट 15-20 डेज ही हुआ ये कप यूज़ करने लगा, बिकॉज मैंने दो सेट खरीदा था, एक ग्रीन एंड एक रेड का, तो ग्रीन का मैं ज़्यादा यूज़ करी थी, रेड शेल्फ में था, अभी जस्ट निकाला था मैंने बाहर, तो विद इन 10-15 डेज आप देख सकते हो उसका हालत क्या है। एंड इसको नाउ यू कैन सी साइड में क्रैक्स आ गए एंड अंदर पूरा ब्लैक ब्लैक स्क्रैच है। इसको पहला मैं जस्ट स्पंज लेके ही क्लीन करती थी, दूसरा और कुछ यूज़ नहीं करती थी, लेकिन स्पंज लेके क्लीन करने के बाद भी इस पर एक बिल्डअप होता जाता है, वो क्लीन नहीं होता बराबर। उसके बाद से स्क्रबर से एक बार क्लीन करने को देखा तो पूरा उस पर स्क्रैच चल के इट इज़ लाइक दिस। ये ग्रीन है, ये 2-3 मंथ से मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका हालत आप लोग देख सकते हो, लाइक यूज़ कर नहीं सकती मैं, इतना डिसगस्टिंग लग रहा है मुझे ये। और इसका ओरिजिनल प्राइस ये कुछ 600-700 रुपीस का मिलता है, लाइक पेइंग 600-700 एंड इफ़ यू गेटिंग दिस क्वालिटी क्या फ़ायदा है यार, हम रोड का 50-60 रुपए का कप खरीद लेंगे, भले वो एक महीना यूज़ करके हम फेंक दें, ऐसा इतना महंगा कप देके जो हमको 2-3 महीना भी नहीं यूज़ है। अभी ये मैंने ऑफर में 350 रुपीज़ में कुछ खरीदा है, 350 रुपीज़ बोले तो भी ऑलमोस्ट 110-120 रुपीज़ आई एम पेइंग फॉर वन कप, 120 रुपीज़ वन कप, इससे अच्छा क्वालिटी कप मेरे ख्याल से मुझे लोकली मिल जाएगा फॉर 50-60 रुपीज़, एंड वो मुझे 101% गारंटी है कि वो 3 महीने से तो ज़्यादा ही मुझे लास्ट करेगा। सो आई एम अगेन नॉट हैप्पी विद दिस परचेज। इस पर मैंने बहुत ज़्यादा होप रखा था एंड कि ये प्रोडक्ट मुझे लास्ट करेगा ये वो सब बोलकर, लेकिन एकदम वर्स्ट निकला वो, इज द स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट, ये आप देख सकते हैं पूरा इसके अंदर मार्क्स है, ये मैंने इतना, ये भी मैंने ऑफर में ख़रीदा है, ये मैंने 1099 पे मैंने ख़रीदा है, ये 2000 रुपीस का कुछ आता है, 2000 में दिया होता तो मैंने प्राइस और ये पैन का ये हालत हो गया था ना, मुझे नहीं पता हाउ आई वुड हैव टेकन दिस एंड इन विच वे आई कुड हैव टेकन दिस। सो आई एम स्टिल एक ये है कि मुझे 3 का ये सेट 1099 पे के, आई एम वेरी श्योर कि 1099 पे करके लिए, बिकॉज ये इतना जल्दी रीस्टॉक आता है, विद इन 1 or 2 डेज वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, एंड मैं उसको आई करते रह के जैसे 15-20 प्रोडक्ट बाकी है, देन आई यूज टू फील अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ उसका प्राइस और रिड्यूस होता है क्या, एंड वो इमीडिएटली नेक्स्ट डे आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। सो दिस ये सेट इतना डिमांड में था, ये स्टिल इसका ये ऐसा था, आई डोंट नो अभी मेरे साथ ही ऐसा है कि सबके साथ ही ऐसा है, मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया भी था कि नहीं उसमें ऑयल के स्टेन्स रहते हैं, इट इज़ नॉट दैट गुड, तो उन्होंने मुझे मेयर ब्रांड कुछ सजेस्ट किया था, बट मेयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मैं घर का बर्तन सब इतना ज़्यादा महंगा देख कर मैं बर्तन नहीं लूँगी, मैं नॉर्मली ऐसे ही 1000 रुपये के देखे ख़राब होके वापस आफ्टर सम टाइम नया दूसरा एक ले लूँगी वो मुझे चल जाएगा, बट मेयर आई फील इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये ऑफकोर्स आपको अच्छा क्वालिटी चाहिए तो आपको प्राइस देना पड़ेगा, बट स्टिल मैं पर्सनली मैं उतना पे करके मैं नहीं लूँगी। इसका दूसरा से कितना ये हो गया, आई नो कि इसको अगर मैं कुछ ये करूँगी वो करूँगी तो इसका ये निकल सकता है, इसे मैंने फ़िश फ्राई किया था तो इतना उसका स्टेन्स चला गया कि इसको घिस के निकालते निकालते मेरा जान पे आ गया, बट इसका कुछ हुआ नहीं है, जैसा था वैसा ही है। इस पर अगर शायद मैं कुछ और कुछ मैं डालूंगी सोडा वीडा कुछ बेकिंग सोडा कुछ डाल के करने देखो शायद ये क्लीन हो जाएगा, बट स्टिल इतना मेहनत करके मुझे इसको क्लीन करना, मतलब एवरी टाइम फिश यूज़ करने के बाद मैं इसको ऐसा क्लीन करके नहीं निकाल सकती, क्योंकि मेरे पास दूसरा एक लोकली खरीदा हुआ पैन है विच इज़ फार बेटर देन दिस, वो मुझे इतना स्ट्रेन नहीं देता, उस पर अगर मैं फ़िश कुछ फ्राई करूँ तो भी वो मुझे ऐसा कुछ दाग रह जाता है उसका, लेकिन फिर भी मैं नॉर्मल अपना स्क्रब स्टेन वो स्टील का जो स्क्रबर आता है उससे स्क्रब करती हूँ निकल के आ जाता है, ये उससे 10-12 बार घस के भी निकला नहीं है दाग, उसके बाद भी इतना दाग है, जनरली मेरे बर्तन बहुत क्लीन रहते हैं उसमें कुछ भी ऐसा दाग हो तो मुझे कुकिंग करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा हर बर्तन को क्लीन रखती हूँ, बट ये मैंने इस पर होप्स छोड़ दिया कि आई डोंट थिंक आई कैन स्ट्रगल मोर एंड क्लीन दिस। ये इन पैन का ना ये मेरे ख्याल से पता नहीं कहाँ के टेंडेंसी पे बनाया है, मेरे ख्याल से इंडियन कुकिंग के प्रेफरेबल नहीं है ये पैन्स, क्योंकि इसमें जब ये ऑयल जाता है तब भी का ये स्टेन मार्क है। अभी मैं एक चाय का बर्तन दिखाती हूँ आपको, वो मैं डेली यूज़ करती हूँ, ईच एंड एवरी डे यूज़ करती हूँ, 3.5-4 मंथ से यूज़ कर रही हूँ बोल रही, तो भी इसी नया का नया ही है सॉस पैन जो इसको बोलते हैं, बट इसको मैं चाय बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, मैं इस पे नहीं यूज़ करती, मैं इसको चाय बनाने के लिए यूज़ करती थी। सी कितना अच्छा है बर्तन, नया का नया ही है, एंड वही सेम चीज़ ये मैंने 3-4 बार फिश फ्राई किया है बस, एंड इसका हालत ही ऐसा हो गया,
एंड ये है कि ये बिल्डअप बिल्डअप होते जा रहा है। अभी हम वॉश करके थोड़ा सा निकाल देंगे तो भी वो बिल्डअप बिल्डअप होते जा रहा है। उसके बाद मैं वॉश क्लीन कर रही हूँ तो वो क्लीन ही नहीं हो रहा। इसका भी साइड्स आर स्टिल ओके, बट सेंटर यू कैन सी वो ब्लैक ब्लैक हो गया। साइड सब क्लीन है, ऑयल का स्टेन मार्क्स नहीं, क्योंकि ऑयल यहाँ पे जब भी हम डालते हैं तड़का विड़का कुछ भी ऑयल भाजी बनाने के डालते तो सेंटर में रहता है ना, तो इसलिए सेंटर का ही ब्लैक है, बट बाकी सब इट इज़ ओके। मेरे ख्याल से ये पैन ऑयल सब डाल के कुकिंग करने के प्रेफरेबल में नहीं है। सब अपना यूरोपियन स्टाइल अब्रॉड स्टाइल कुकिंग जो करना होगा किसी को विदाउट एनी ऑयल एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, उनके लिए ये पैन्स बहुत अच्छे, बट नॉट फॉर इंडियन कुकिंग, बिकॉज ये पैन वो प्रूव करता है। वरना अगर ये ख़राब होने जैसा, क्वालिटी अच्छा नहीं है, ख़राब होने जैसा रहता तो ये भी होना चाहिए था। जब मैं चाय बनाती हूँ, मैं डेली बनाती हूँ, तो उस हिसाब से ये भी ख़राब होना चाहिए था, बट ये ख़राब नहीं हुआ। सिर्फ जो मैंने ऑयल बेस पे रख के जो भी मैंने कुकिंग किया, सिर्फ वही पैन्स ख़राब हुए। एंड बहुत अच्छा वेट है इसको, लाइक क्वालिटी वाइज है वेरी गुड। आपको लगेगा नहीं कि ऐसा ये लास्ट करेगा करके, बट आई एम नॉट हैप्पी। इट्स ओके, एटलीस्ट मुझे पता चल गया कि कौन सा क्या ब्रांड है, कौन सा क्या क्वालिटी है होम सेंटर के, एंड क्या हम ट्रस्ट करके होम सेंटर से बाय कर सकते हैं। उनके बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी है विच आर वेरी गुड, उसका मैं एक अलग सा वीडियो करूँगी कि कौन से प्रोडक्ट्स के लिए। और भी बहुत सारे आइटम्स हैं मेरे पास जो मैंने उनसे खरीदे, तो उनके और दूसरे जो आइटम्स हैं मैं आप लोग को रिव्यू बताऊँगी कि उनके बेस्ट आइटम्स क्या है, विच यू कैन क्लोज योर आइज एंड बाइट विदाउट एनी डाउट। बाकी सब आइटम्स अभी भी यूज़ कर रही हूँ तो इट इज़ बेटर, सो अभी भी बोल नहीं सकती इट इज़ गुड और नॉट। वो थोड़ा और चलने दो, उसका भी मैं ज़रूर रिव्यूज़ कराऊंगी कि कैसा था वो सब अदर प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम होम सेंटर। आज के लिए बस इतना ही, ख़त्म, फिनिश्ड, और कुछ नहीं है। अभी मुझे बाहर जाना है, उसके लिए मेरे बच्चे लोग देखो बाहर खड़े रहकर क्रिकेट 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 उनका चालू है। फिर मुझे लगा कि मुझे बाद में वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिला, अभी हम इन लॉस के घर जा रहे हैं, वहाँ से अभी कितने दिन के बाद रिटर्न आएंगे मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैं सोचा एटलीस्ट एक दो वीडियो मेरे पास रहेगा, आई विल पोस्ट इट, तो चैन से हम लोग वहाँ रुक पाएंगे। वहाँ जाके वीडियो करके सब पोस्ट करो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। कुछ तो टेक्निक सीखना चाहिए जो मेरे से एकदम स्मूथली निकल भी जाए ये चीज़ बोलने के लिए और मैं भूलूँ भी ना। मेरे मुँह से अभी भी वो फ्लुएंटली निकलता ही नहीं है। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ऐसा काउंट करके बोलना चाहिए बच्चों को, ऐसा शायद निकल जाएगा। ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। टिल देन डोंट वरी, बी हैप्पी।